नमस्कार, मैं अनु भारद्वाज आप सभी का स्वागत करती हूँ IIMT मीडिया के विशेष कार्यक्रम हिस्ट्री ऑफ द डे में। भारतीय पर्यटन विकास निगम की आज के दिन हुई थी स्थापना। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम भारतीय पर्यटन विकास निगम की स्थापना 1 अक्टूबर 1966 को हुई थी। यह देश में प्रगतिशील विकास, संवर्धन और पर्यटक के विस्तार में प्रमुख भूमिका निभाता है। भारतीय पर्यटन विकास निगम व्यापक रूप से होटलों के निर्माण, वर्तमान होटलों के अधिग्रहण और प्रबंधन आदि का कार्य करता है। इसके अलावा पर्यटन निगम होटलों, तट विहारों, ट्रेवल्स लॉज, रेस्टोरेंटों के विपणन आदि का दायित्व निर्वहन भी कर रहा है। भारतीय पर्यटन निगम देश व विदेश में परामर्शी और प्रबंध सेवाएं भी प्रदान करता है। इसके उद्देश्यों में प्रमुख रूप से पर्यटन विकास और परियोजनाओं का कार्यान्वयन शामिल है। आज के दिन मनाया जाता है वरिष्ठ नागरिक दिवस। समाज में बुजुर्गों को सम्मान के साथ देखा जाता है। वे समाज का मार्गदर्शन करते हैं और अपने अनुभवों से बेहतरीन राय देते हैं। बुजुर्गों को सम्मान देने के लिए और उनके साथ खराब बर्ताव को समाप्त करने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने 14 दिसंबर 1990 को निर्णय लिया था कि हर साल 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बुजुर्ग दिवस मनाया जाएगा और बुजुर्गों को उचित स्थान दिलाने का प्रयास किया जाएगा। इसके बाद पहली बार 1 अक्टूबर 1991 को अंतर्राष्ट्रीय बुजुर्ग दिवस मनाया गया। इसके बाद से हर साल 1 अक्टूबर को यह दिवस मनाया जाता है। भारत सरकार ने 2007 में माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण कानून बनाया था। इसके तहत माता पिता के भरण पोषण, वृद्धाश्रमों की स्थापना, चिकित्सा सुविधा की व्यवस्था और वरिष्ठ नागरिकों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा का प्रावधान किया गया है। आज के दिन शुरू हुआ था देश में डाक टिकट का प्रचलन। ईस्ट इंडिया कंपनी ने देश में पहली बार 1 अक्टूबर 1854 को डाक टिकट जारी किए थे। यह डाक टिकट आधा आना, एक आना, दो आना और चार आना के मूल्य वर्ग में थे। इस पर महारानी विक्टोरिया के चित्र छपे थे। भारत में डाक टिकटों पर 1931 तक महारानी विक्टोरिया, राजा एडवर्ड सप्तम, जॉर्ज पंचम, जॉर्ज छठे के चित्र छपते रहे। 1931 में प्रथम चित्रात्मक डाक टिकट नई दिल्ली के उद्घाटन अवसर पर जारी किया गया था। 1935 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम की रजत जयंती पर प्रथम स्मारक डाक टिकट जारी हुआ था। स्वतंत्रता के बाद 21 नवंबर 1947 को प्रथम भारतीय डाक टिकट 3.5 आने का जय हिंद जारी किया गया था। महान क्रांतिकारी वीर चंद्र सिंह गढ़वाली का आज के दिन हुआ था निधन। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली को भारतीय इतिहास में पेशावर कांड के महानायक के रूप में याद किया जाता है। 23 अप्रैल 1930 को हवलदार मेजर चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में रॉयल गढ़वाल राइफल्स के जवानों ने देश की आज़ादी के लिए लड़ने वाले निहत्थे पठानों पर गोली चलाने से मना कर दिया था। अंग्रेजों का आदेश न मानने के कारण चंद्र सिंह गढ़वाली की सारी संपत्ति जब्त कर ली गई और इनकी वर्दी को शरीर से काट काट कर अलग कर दिया गया। 1930 में उन्हें जेल में डाल दिया गया और 11 साल बाद 1941 में रिहा किया गया। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने पर उन्हें फिर 3 साल के कारावास की सजा हुई। 1 अक्टूबर 1979 को चंद सिंह गढ़वाली का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर भेंट होगी इतिहास में दर्ज कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए IIMT मीडिया।